हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज है होलिका दहन। तो होलिका दहन के पावन पर्व की आपको, देशवासियों को और प्रदेशवासियों को, सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। होलिका दहन के पावन अवसर पर आपके जीवन में दुखों का अंत हो और आपके जीवन में खुशियों के और सुख शांति समृद्धि के नए नए द्वार खुलें। मैं ऐसी मंगलमयी कामना करता हूँ और यह दिन भगवान श्री हरि की कृपा से हमें पर्व के रूप में मनाने को मिलता है। तो गाइस, ये जो पर्व है हमें याद दिलाता है कि किस प्रकार से अधर्म, अन्याय व बुराई पर भक्ति व सत्य की जीत हुई थी। भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद जी ने किस प्रकार से भगवान के राह पर चलते हुए अधर्म, बुराई व अन्याय को कुचला था। तो उन्हीं की याद में भगवान श्री हरि की कृपा से ये जो पर्व है हम मनाते हैं। तो आज होलिका दहन के पावन पर्व पर आप सभी सुख शांति और धूमधाम से होलिका दहन के पावन पर्व को मनाएं। और शाम के समय होलिका दहन होगा, होलिका दहन का व्लॉग आपको देखने को मिलेगा इसी में। और बने रहिएगा हमारे व्लॉग में अंत तक। होलिका दहन में किस प्रकार से जौ की बालों को भुना जाता है और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है। तो गाइस, फिलहाल हो चुका है सनराइज और आपको सनराइज का बहुत ही सुंदर सा व्यू दिखाते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मस्त सनराइज हो गया है कुछ इस तरह से। चलो घूमने को, स्टार्ट हो गई है। चलो कैसे चलेगी, हॉर्न बजा दे। गाइस, सुबह की लेते हैं एक मस्त गर्मा गर्म चाय। तो गाइस, फिलहाल निकल चुके हैं अपनी नहर के लिए, क्योंकि हमारे जो पूजा वगैरह का जो वेस्टेज होती है और जो सामान होती है सामग्री, उसको सिराने के लिए, क्योंकि वह ऐसी जगह नहीं फेंकना चाहिए हमें और चलते पानी में ही डालते हैं उसको। तो फिलहाल पहुंचते हैं नहर पे। तो फाइनली पहुंच गए हैं नहर के किनारे। गाइज, फाइनली हमने नहर में पूजा वाली सामग्री को विसर्जित कर दिया है और अब हम चलेंगे जौ वाले खेत में, क्योंकि वहाँ से हमें जौ की बाल लेनी है जो होली का पूजन में उपयोगी हैं, मतलब काम में आती है होली का पूजन के। और शाम को भी जब होली का दहन होती है तो उसमें जो जौ की बाल होती है उनको उसमें भून के और उसके जो दाने होते हैं अपने बड़ों को दे के उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो फिलहाल पहुँचते हैं जौ वाले खेत पर। फाइनली गाइज, पहुँच गए हैं जौ वाले खेत में और ये हमारे ताऊ जी का खेत है और यहाँ से हम अब जौ की बाल लेंगे और उसके बाद चलेंगे घर। और दिन में जो होली का पूजन होता है उसमें जो घर की स्त्रियां होती हैं वो इससे पूजन करती हैं, और शाम के समय जब होली का दहन होता है तो उस टाइम हमको इसमें होली का दहन में जौ की बाल भून के उनको बड़ों को देकर आशीर्वाद लेते हैं। तो फिलहाल लेते हैं जौ की बाल। गाइज, हमने जौ की बाल ले लिए हैं। तो फाइनली जौ की बाल को लेके अब चलते हैं घर। अब मम्मी जी करेंगे होली का पूजन और फिर शाम को जब होली का दहन होगा तो हम भी जौ की बाल लेके होली का दहन में चलेंगे। तो गाइस, फिलहाल आ गए हैं घर और हमने ले लिए हैं होली वाली दो टोपी जिन पे शुभ होली लिखी रहती है और ये पहनते हैं तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैं आपको पहन के दिखाता हूँ एक बार। तो गाइस, कुछ ऐसी लग रही है पहनने के बाद टोपी, आप हमें कमेंट करके बताएं कि टोपी कैसी लगी आपको। हमें तो
गाइस होलिका दहन के पावन अवसर पर हमारे मित्र के यहाँ बहुत ही सुंदर नाम संकीर्तन जहाँ फूलों की होली मनाई गई और अब हम फूलों की होली मना चुके हैं और अब यहाँ से निकलते हैं अपने गांव के लिए। उधर होलिका दहन आपको देखने को मिलेगा, बने रहिएगा व्लॉग में अंत तक। फाइनली गाइस घर आ गए हैं और एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है जो होलिका दहन में, क्योंकि जो होलिका दहन है वो करना नहीं पड़ा किसी को, स्वतः ही हो गया है और वो सबसे मिस हो गया, वो नज़ारा हमसे भी मिस हो गया। क्योंकि जो दिन में स्त्रियां जाती हैं गांव की पूजन करने के लिए, तो उनमें से किसी स्त्री ने होली का जो हाथ सजाई जाती है वहां पे दीपक रख दिया और हवा चल रही थी आज दिन में जोरों से, तो इस वजह से वो जो दीपक से उसमें अग्नि जल गई और वो 2-3 बजे ही उससे ही उसमें अग्नि सुलग्नि चालू हो गई थी, मतलब जल गई थी होली। और तो किसी को भी ये होली का दहन करने का जो अवसर नहीं मिला और ना ही जौ की बाल भून पाई है, तो बहुत ही ज़्यादा सारे मामला गड़बड़ हो गया। किसी को भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और ना ही जब बाल बुनी है और ना ही होली का दहन हुआ है। तो गाइज मैं वैसे भी लेट हो गया था, 9 बजे आया था, फिलहाल बज गए 10। तो इस ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। कल एक रंग वाली होली है, वो हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तो इस ब्लॉग का फिलहाल एंड करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।